दोस्तों, यदि आप एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। हम आपको उपलब्ध कराएंगे डेली क्यूज, मॉक टेस्ट और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की पीडीएफ। ये सब प्राप्त करने के लिए आपको एक छोटी सी प्रोसेस करना है ये वीडियो देख के। सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाएं। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है हमारी एप्लीकेशन ए बी क्लास। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो ऐसा कुछ ए बी क्लास लिखा आएगा, उस पर क्लिक कर देंगे तो ऊपर ही आपको ए बी क्लास टेस्ट सीरीज सॉफ्टवेयर लिखा आ जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है, फिर इसको इंस्टॉल पर क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल होने के बाद आपको इसको ओपन करना है। जैसे ही ओपन पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर भाषा चुनना है हमें, तो इंग्लिश पर आप कोशिश करें, इंग्लिश पे टिक कर दें। जैसे आप इंग्लिश पे टिक करेंगे तो नीचे लिखाएगा स्विफ्ट टू बिगन। इस स्क्रीन को हमें कहाँ से, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर ऐसा खींच देना है। जैसे ही आप खींचेंगे तो यहाँ पर लिखाएगा स्टार्ट योर जर्नी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको लॉगिन के लिए पूछेगा, तो लॉगिन के लिए आपको परेशान नहीं होना है। जो यहाँ पर गूगल लिखा हुआ, क्या लिखा, गूगल, इस गूगल पे जहां पर मैं उंगली दिखा रहा हूँ इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल के अंदर जो भी ईमेल आईडी होगी वह निकल कर सामने आ जाएगी। आपको क्या करना है, उस ईमेल आईडी पर क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करेंगे तो कंटिन्यू के लिए पूछेगा, उस कंटिन्यू पे क्लिक कर देना, जैसा मैं यहाँ पर कर देता हूँ। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। हमें क्या करना है, जो ऑल एग्जाम कैटेगरी लिखा है इस ऑल एग्जाम कैटेगरी पे क्लिक कर देना। ऑल एग्जाम कैटेगरी पे क्लिक करने के बाद जो पहला ऑप्शन होगा वहां पर लिखा होगा एसएससी जेई, आरआरबी जेई, एमपी जेई, ऑल एग्जाम, जेई एग्जाम। यहाँ पर किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हैं। अभी मैं एसएससी जेई की बात कर रहा हूँ, तो आपको इस पर क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखा रहा है एसएससी जेई एमईसी डबल, इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अभी मैंने मैकेनिकल का एग्जाम्पल लिया, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिखाएगा, उस पर आपको टिक कर देना। जैसे आप उस पर टिक करेंगे तो नीचे लिखाएगा स्टार्ट प्रिपेयरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इस पर आपको टिक कर देना। जैसे आप इसको टिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। सबसे पहले मैं पीडीएफ की बात करूंगा, फिर मैं टेस्ट की बात करूंगा, फिर मैं ई लाइब्रेरी जो डेली क्यूज है उसकी बात करूंगा। तो यहाँ पर आपको नीचे लिखा दिख रहा होगा ई लाइब्रेरी, लास्ट में ई लाइब्रेरी, इस पर आपको ऐसा टिक कर देना। जैसे आप टिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप से हमने पीडीएफ उपलब्ध कराएंगे। जैसे सब्जेक्ट वाइज मिलेगा, फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2007 से लेकर 2021 तक के, वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अब ये देखना कैसे, जैसे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करूं तो ऐसा टिक कर दें। अब यहाँ पर जो अलग अलग सब्जेक्ट वाइज जिसका सब्जेक्ट के नाम लिखे हुए, ये यहाँ पर क्या पीडीएफ उपलब्ध कराएंगे। जैसे मैं एक का एग्जाम्पल हूँ मैकेनिक्स की, तो यहाँ पर आपको टिक कर देना है। ये जो है पहली वाली फ्री रहती, बकाया सब क्या करती है, हमें अनलॉक करना पड़ती है, तो यहाँ पर हम टिक कर दें। जैसे आप टिक करेंगे तो ऐसा आपको ये सब देखने को मिल जाएगा, हमें कैसे स्टडी करना है। यहाँ पर आप कितना भी जूम करके पढ़ सकते हैं, अच्छी क्वालिटी मिलेगी, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा आपको बैक कर दें। अब इसको आप परचेज करना चाहते हैं तो इसकी कीमत है 150 रुपये। पे करने के लिए आप लॉक पर क्लिक करें, ऐसे लॉक पर क्लिक करेंगे तो आगे प्रोसेस करेगी। पे वाय रोजर पे पर क्लिक करेंगे तो आगे क्या होगा, जो भी आपका मोबाइल नंबर मांगेगी, मोबाइल नंबर के बाद आपको गूगल पे, फोन पे या कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। इसको आप बैक कर दें। बैक करने के बाद यहाँ पर जाएं, एरो दिखाई, इस पर बैक कर दें। ऐसे बैक करने के बाद जाएंगे तो एक अगर कोई कुछ ऐसा आ जाता है तो इसको डिलीट कर सकते हैं। अब हमें ई लाइब्रेरी पर ही बात कर रहा था मैं, जैसे मैकेनिक्स के 1000+ क्वेश्चन है, एमईएमएस की इंग्लिश, टोटली इंग्लिश में कोई चाहता तो इस पर क्लिक कर दें तो यहाँ पर इंग्लिश में ऐसी मिल जाएंगी। प्रोसेस सबकी सेम है, इस सैम्पल व्यू दिया है, इससे आप देख सकते हैं किस तरह की यहाँ पर पीडीएफ उपलब्ध कराई गई है। और हिंदी इंग्लिश में चाहते तो एसएससी जेई हिंदी इंग्लिश लिखा है, ए वाला ले सकते हैं आप। और भी कुछ हिंदी इंग्लिश में यहाँ पर अलग अलग टाइप से पीडीएफ उपलब्ध कराएंगे, इन सबको आप ओपन कर सकते हैं। खरीदना है तो लॉक पर क्लिक करें और उनको सबको अनलॉक कर लें। ऐसे अब बात करते हैं हम, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस किस तरह पीडीएफ उपलब्ध कराएंगे। अब यहाँ टेस्ट देखो दिख रहा हो, टेस्ट, अब मॉक टेस्ट आप देना चाहें तो इस पर क्लिक कर दें। जैसे आप मॉक टेस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है सेक्शनल टेस्ट हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, अलग टाइप से मॉक टेस्ट हो गया। अब यहाँ पर लिखा है एसएससी जेई एमई मॉक टेस्ट, एसएससी जेई एमई मॉक टेस्ट, एसएससी जेई मॉक टेस्ट, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर। अब जी यहाँ पर स्टार्टिंग टेस्ट है, ऐसा आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट करना पड़ेगा आपको।
स्टार्ट कर दें। स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर आपसे पहला टेस्ट है, आप देख सकते हैं किस तरह की टेस्ट यहाँ पर उपलब्ध कराए, तो आप टिक करते हैं आगे यहाँ से टेस्ट दे सकते हैं। जब भी एंड करना हो तो इस पर आप क्लिक करें और यहाँ पर नीचे सबमिट बटन पर क्लिक कर दें, यस कर दें। सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आप प्रोसेस कर दें। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको उनके आंसर और क्या देखना है, सॉल्यूशन देखना है, तो व्यू सॉल्यूशन पर क्लिक कर दें। ऐसे आप नेक्स्ट करते हैं और सभी क्वेश्चन का आप आंसर और सॉल्यूशन देख सकते हैं, ऐसा पैक करें। अब डेली क्यूज की बात आती है तो हमें क्या करना है, होम पर जाना है, इस होम पर क्लिक करें। जैसे होम पर क्लिक करेंगे तो ये आपको दिख रहा है नीचे ऐसे आएंगे, दिख रहा है ऐसा ऐसा इसको खिसका है, तो जो लिखा नीचे लेटेस्ट क्यूज, क्या लिखा लेटेस्ट क्यूज, ये व्यू वाले पर क्लिक करें। ये सारे फ्री हैं, ये जो डेली टेस्ट डेली हमारे क्यूज आते हैं ये फ्री रहते हैं, कभी भी आपको इनको अटेम्प्ट करना है तो स्टार्ट क्यूज पर क्लिक कर दें। जैसे स्टार्ट क्यूज पर क्लिक करेंगे तो ऐसे आपको मिल जाएंगे डेली, आप यहाँ पर हिंदी इंग्लिश जो भी भाषा उस चुनकर आप क्या कर सकते हैं, इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जैसे ही बैक करना हो सबमिट क्यूज पर क्लिक कर दें, सबमिट कर दें, सबमिट के बाद प्रोसीड करें, यहाँ पर नीचे आए व्यू सॉल्यूशन देखें तो उन सबके आंसर और सॉल्यूशन देख सकते हैं। इस तरह आप देख सकते हैं, कभी भी आपको सेक्शन चेंज करना है, जो ऊपर दिख रहा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ऐसा क्लिक करेंगे नीचे आएगा एड मोर एग्जाम, एड मोर एग्जाम पर क्लिक करें तो फिर से आप वैसी प्रोसेस कर सकते हैं ऑल एग्जाम कैटेगरी में जाके। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।